मुझे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। ठीक है आप? हाँ जी ठीक। अभी मुझे पता चला था कि आप बीमार हैं, आपको दिल की कोई तकलीफ है। क्या कहते हैं डॉक्टर, कितनी सीरियस है? पारा कम नहीं कर रहे। अच्छा, सांस फूल जाती है। सांस फूल जाता है तो आप काम नहीं कर सकते ना, आप क्योंकि बीमार हैं आप। हाँ जी। तो पहले जब आप बीमार नहीं थे तब काम करते थे आप? हाँ जी। तो तब गुजर बसर ठीक हो रहा था, घर ठीक चल रहा था? हाँ। आपकी बीमारी की वजह से ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए? काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपकी बेगम और आपकी बेटी काम करती है, खर्चा वर्चा ज़्यादा बहुत उठाते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत बीमार हो जाते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर के पास जाया जाए, या आप मुस्तकिल अपना इलाज करा रहे हैं? नहीं, लाइट है नहीं, प्यार गोली के तरह है। अच्छा, वो खा रही थी जब तक तक। अच्छा, छोटी सी गोली है। अच्छा, बाप को जो है वो बेटी की ज़्यादा फिक्र होती है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि बेटी अपने घर जो है वो आराम से तुमसे चली जाए, अपने घर की हो जाए। तो जब पहला रिश्ता हुआ और वो इस वजह से नहीं हो सका, या आपके हालात नहीं थे, आप उसकी शादी नहीं कर सके, तो उस चीज़ की टेंशन जो है या उस चीज़ की तकलीफ हुई या आपकी बेटी पे उसका असर हुआ? असर तो नहीं, तो कभी उसने जिद दिखाई कि नहीं अबू मुझे तो गुड़िया चाहिए, या मैंने चूड़ियाँ लेनी है, या मुझे बाहर लेके जाए? छोटी दिखाती थी लेकिन हो गया, समझदार हो गया। अब समझदार हो गया, अब समझती है वो कि हालात ऐसे नहीं रहे। तो आपने जहाँ पर रिश्ता किया, आपको लगता है कि वो लड़का जो है वो आपका बेटा बन के रहेगा और कोई मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपको उम्मीद है कि आपकी बेटी ना सुखी रहे? अच्छा, आज ही आज से मुझे पता है, दुख है, तकलीफ है कि एक बेटी जो है वो उससे धोखे अपने घर जा रही है, लेकिन ये प्यार है, ये एक माँ का प्यार है जिसने छोटी सी बच्ची को पाल के जवान किया है, अपने जगह का टुकड़ा दूसरे को दे रहा था। तो बाप रो नहीं सकता, उसके दिल में होता है ना दर्द, अंदर से रो रहा होता है ना कि उसकी बेटी जो है वो एक दूसरे घर जा रही है। तो आपने इनको भी संभालना है और आपने अपने आप को भी संभालना है, और इस चीज़ का यकीन रखना है कि आपकी बेटी जिस घर में जा रही है उसकी इतनी अच्छे तरीके से हम शादी कराएंगे कि आप ये आंसू भूल जाएंगे सारे लोग, और एक यादगार शादी बन जाएगी, आपकी पूरी बरादरी में पता चलेगा कि हाँ जी रुबीना की शादी हुई थी। तो अम्मी जो है वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं, और बेटियाँ चीज़ ही ऐसी होती हैं जी। नाज़िया, हमने रुबीना के वालदैन से बात की और काफ़ी इमोशनल हो गए हैं दोनों, और ज़ाहिर है बेटी की रुखसती कोई छोटी बात नहीं होती। तो अब हम अपनी दुल्हन से बात करें। Thank you.
सजना संवरना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल वैसे ही सजाएंगे भी संवारेंगे भी। तो लाजिम ये थी हमारी दुल्हन से गुफ्तगू और इनके पेरेंट्स से। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मेहंदी के फंक्शन में। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ।